सारिया तैयारियां मुकम्मल हो चुकिया ने और मेला जोड़ा है वो शुरू होने जा रहा है 13, 14 ते 15 अप्रैल तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे। आप देख सकते हो कि नहिंग सिंह के जथे जा रहे हैं सारा सही माहौल ताकि जी है वो 13 तो शुरू हो रही है यानी कि सुबह शुरू हो रही है ते ये बैसाखी की एक इस वे तुम आप देख सकते हो कि पुलिस वालों ट्रैफिक के प्रबंध किए गए हैं और ट्रैफिक बस वधिया रखने के लिए बजाया गया रोड में बंडिया गया ढोल वगैरह रखे गए हैं बजाले अब जुड़े रहो नाल तुम दिखाने सारा माहौल रश जो है होने लग गया काफ़ी इतने लखों की गिनती में जोड़े है सिख श्रद्धालु देश विदेश तो आते हैं कई स्टेटा दे जो सिख संगत है वो इतने आके लंगर वगैरह भी लगाती हैगी है और कल तो जोड़ा है मेला शुरू हो जाऊगा तो इतने बड़ा रश होना है जिते हम आप घूम फिर रहे हैं इतने पैदल चलने भी जगह नहीं होएगी हाँ इतों का चौंक आ गया सामने निशान ने खड़ता सजावट की हुई हैगी है ये निशान है खालसा चौक रोड तो एंट्री पॉइंट है चौक है चार दिखाई दे रहा है बड़े बढ़िया तो सज्जे प्रबंध तो जितने के ना सब का देवता जो लोला भी तरह गर्मी तो बचाने के लिए वाइस किया गया तो आप भी देख सकते हो दस का भी जाने वाली ओड इतिहासिक गेट चला
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਲਾਗੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗੀ ਜਿੰਨਾ ਪਕਤਰਾ ਨੇ ਬਦਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਦਰਸ਼ਨ चार सौ अड़ताली नंबर जोड़े वगैरह या काफी है इतने जोड़ा है बड़े पुख्ता प्रबंध किए गए सिक्योरिटी के और तुम देख सकते हो मेटल डिटेक्टर वगैरह लगाया गया है सोलह सौ नड़िन्नवे ईस्वी में विसाखी वाले दिन पंथ दे वाली धर्म रक्षक सरवंश सदानी बादशाह दरवेश श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहिब विखे पंजां प्यारियां दी चोण कीती अते उन्हां नू अमृत छका के खालसा पंथ की साजना की। सतारह सौ पंज ईस्वी में दशमेश पिता जी ने सारियां जंगां मगरों श्री मुक्तसर साहिब दे जंग नूं फतेह करन उपरंत इस पावन स्थान तलवंडी साबो पहुँच के जंगी कमर कसा खोल के दम लिया। गुरु जी दे दम लैण करके ही इस पवित्र स्थान का नाम दमदमा साहब प्रसिद्ध होया। इस पावन स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता नौवें पातशाह जी की बाणी आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल करवा के सतारह सौ छे ईस्वी नूं संपूर्णता की। लिखण की महान सेवा शहीद भाई मणि सिंह जी और सहयोगी लिखारी शहीद बाबा दीप सिंह जी नूं बख्शिश की। इत्थे ही गुरु जी ने चार मुए तो क्या बया जीवत कई हज़ार कह के पंथ नूं सन्मान दिता। दशमेश पिता जी दे अपने मुखारबिंद चों इस पावन स्थान नूं तख्त साहब की उपाधि दिंदिया आप मोहर तैयार करवाई अते सतारह सौ छे ईस्वी की विसाखी के महान दिवस लई संगतां नूं तख्त साहब की मोहर हेठ हुक्मनामे जारी करके जोड़ मेले दे रूप विच हुम हुमा के पुजन दा आदेश दिता। इत्थे सतारह सौ छे ईस्वी की विसाखी वाले दिन सवा लख प्राणी अमृत छके गुरु वाले बने सन। उदों तो ही लैके इत्थे विसाखी का त्यौहार बहुत चावां ते उमंगां दे नाल मनाया जाता है। तीन दिन चलण वाले इस विसाखी दे मेले मौके 12 अप्रैल नूं श्री अखंड पाठ साहिब दे पाठ आरंभ किए जाते हैं जिन्हां दा भोग 14 अप्रैल नूं सुबह पाया जाता है। इस तों अलावा भाई डल सिंह दीवान हाल तख्त साहिब विखे एस जी पी सी दे प्रबंधां हेठ धार्मिक दीवान भी सजाए जाणगे अते
पंथ के महान आगू ते रागी ढाडी प्रसिद्ध गुणी ज्ञानी कवि श्री जथे गुरु जस सुना के संगत नू निहाल करनगे। 13 अप्रैल दोपहर तो बाद धार्मिक प्रोग्राम आरंभ होंगे ते फिर रात 2:30-11 चालू रहेगा। 13, 14 और 15 अप्रैल में 5 प्यारे साहबान अमृत वाटा तैयार करेंगे और इस तो बाद अमृत संचार किया जाएगा। 15 अप्रैल में सवेरे 10 बजे 5 प्यारे साहबान की अगवाई दे विच अरदास करने तो बाद कौमी जाहो जलाल अते पंथक रवायतों अनुसार महला आरंभ होकर नेजाबाजी गतका ते वीर रस के करतब करता होया गुरद्वारा महलसर साहब विखे पहुँचेगा। तो गुरु दी लाडलियां फौजा निहंग सिंह घोड़ दौड़ अते नेजेबाजी के जौहर दिखाउणगे। इस तो अलावा 14 तरीक नूं पोलिटिकल पार्टियां श्रोमणी अकाली दल माण अते बहुजन समाज पार्टी वालों भी सियासी कॉन्फ्रेंसां करके तकरीरां दित्तियां जाणगियां। इस मेले के दौरान आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस पार्टी वालों कोई सियासी कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया जाएगा। विसाखी मेले नूं लैके तख्त श्री दमदमा साहब नूं लाइटां दे नाल पूरी तरह सजाया गया है ते पूरा शहर जगमगा उठा है। पूरे शहर दे विच लाइटिंग की गई है अते तख्त श्री दमदमा साहब सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ਕੁਦ ਵਾਗਣੇ ਕੁਦ ਨਹੀਂ।